इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आप BGMI खेलते हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, बट उसमें प्ले करते करते आपको मैच सर्वर रिस्पॉन्स टाइम आउट दिखाता है और रिकनेक्ट दिखाता है बार बार, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, गेम अगर हम खेलते हुए होते हैं और उसमें इंटरनेट कनेक्शन हमारा कट हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है खेलते खेलते, तो तब ये यहाँ पर हमें दिखाता है इशू। तो हमें करना क्या चाहिए? देखिए, इंटरनेट कनेक्शन को हमें रिटर्न ला देना होगा और रिकनेक्ट कर लेना होगा, तो हमारा ये जो है यहीं से चल जाएगा, ठीक है। बट अगर इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर नहीं आ पाता है और उस सिचुएशन में ही आपको लॉग आउट भेज सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ सकती है। जब आप लॉग आउट जाएंगे, फिर आप साइन इन के पेज पर जाएंगे, तो आपको फिर दोबारा रिटर्न आने में लॉबी में बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा अगर ऐसी दिक्कत आती है आपको, तो बिना मतलब के इशू आता है ये, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उस सिचुएशन में आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए और अपने जो है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाइए। यहाँ से एक दफ़ा मोबाइल डेटा को चेक कर लीजिए कि ऑन है या नहीं है। अगर ये ऑन है तो बहुत अच्छी बात है, इसको ऑन रहने दीजिए। और अपने जिस भी सिम कार्ड में नेट चल रहा हो उसको खोल लीजिए और ध्यान रहे उसका एक्सेस पॉइंट नेम रीसेट कर देना है। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप को 2G एंड उसके बाद लेटेस्ट जो भी हो उसे लगा देना है। फिर यहाँ से बैग ला देना है और एक दफ़ा एरोप्लेन मोड को लगा देना है और बंद कर देना है। फिर यहाँ से जो है आपको आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, डेट एंड टाइम पर जाना है, और यहाँ से जो है डेट एंड टाइम को और यहाँ पर टाइम जोन को बिल्कुल परफेक्टली सेट करके रख देना है। ये टाइम को खुद से ही सही तरीके से सेट कर लेना है। फिर यहाँ से बैक लाना है, फिर ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है और बैटल ग्राउंड को सर्च कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से फोर्स स्टॉप करिएगा और रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज को सबको स्टार्ट रख देना है, ठीक है। इतना ही आपको करना है, फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन अब भी अगर आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ से बैक ला दीजिए और अपने प्ले स्टोर में जाइए और BGMI को सर्च कर दीजिए एंड इसमें आपको अपडेट मिलेगा, तो अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे BGMI के अंदर, तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस रहता है सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।